तो जरूर आई एकवीरा आई एकवीरा संघाचे संघ मालक किशोरजी चालके आपण या ठिकाणी यायचे जरूर सेमीफायनल सुरू झाले आपण थोडक्यात या ठिकाणी उरकणार आहोत कारण आम्ही जी मात्र सर आपण पाहतो कमेंट्री बॉक्स मध्ये असतील एस एस टाइगर राहिलाय आणि आपण पाहतोय आई एकवीरा एस एस टाइगर आणि आई एकवीरा या ठिकाणी राहिले साहिल शेख या तो साहिल शेख यांच्या शुभ हस्ते आपण पाहतो तर आणि जरूर मी माते सर यांच्याकडे जातोय कमेंट्री बॉक्स मध्ये मॅच कडे आपण कंटिन्यू करायचं धन्यवाद और मैच शुरू होने जा रही है पहला सेमीफाइनल का यह मुकाबला है एस एस टाइगर से संघ मालक अपना विनती करते अपने या ठिकाणी यायचे एस एस टाइगर्स तो अनिकेत की ये गेंद थी और डॉट गेंद समाप्त हो चुकी है तीन रन स्कोर बोर्ड के ऊपर मुकाबला चल रहा है हाँ आरडी बॉयज बनाम आई एकवीरा ब्लास्टर के बीच मुकाबला है और बहुत ही बढ़िया बॉल अपील की थी लेकिन अपील में कोई दम नहीं है इस बार दबाव डालने के लिए अपील थी लेकिन टीम का स्कोर तीन के घर में और बिल्कुल तो टॉस जीतने के बाद आरडी बॉयज टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है क्या ब्लास्टर ने जिंगली सम्माननीय पंकज जी पवार साहब इनका आगमन हमारे मंच के ऊपर तहे दिल से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत बहुत ही बढ़िया बॉल ये अपील फुकट की चल रही है विकेट कीपर ज्यादा दबाव डाल रहे हैं और विकेट कीपर का चेहरा देख के बॉलर उसके ऊपर प्रेशर कर रहा है क्योंकि इसका मतलब यह है कि अंपायर की उंगली जानबूझकर खड़ी करने के लिए ये पहले के जमाने में ऐसे अपील बहुत चलती थी वसीम अकरम तो ऐसे अपील जोर से करते थे कि अंपायर की उंगली खड़ी करने के लिए मजबूर करते थे दबाव डालने के लिए लेकिन अंपायर हमारे यहाँ लगभग देखा जाए कबीर अख्तर सर बहुत मौजूद है नष्ट कर एंड पे वैभव नार्वेकर जी राउंड विकेट से इस बार स्ट्रोक अच्छा है शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर गेंद को फील्ड किया है खिलाड़ी इस बार दायरे के अंदर है दूसरे के लिए बैठ गए यहां फंस जाएगा तू क्या जरूरत थी इतना आधे रास्ते में जाने की अपने ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी आप पटाता होते गए अब चिड़िया चुक गई कैद विकेट नंबर पहला ड्रेसिंग रूम में Thank you.
और नए बल्लेबाज समीर तन्मय मैदान से बाहर। ओवर की समाप्ति, रन बन चुके 4-1 विकेट के नुकसान पे। 12 गेंदों का खेल शेष है, जो जीतेगी वो टीम जाएगी फाइनल में। पंकज पवार इनकी तरफ से, समीर शिंदे लगातार 3 छक्के लगाएंगे तो 500 रुपए का इनाम। और गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए इस बीच आरडी बॉयज टीम के गेंदबाज आ चुके हैं, संकेत पारांडे। अगर समीर की विकेट संकेत ले सकते तो समीर संकेत इस बार 500 का इनाम मिलेगा संकेत को, लेकिन समीर की विकेट ले सकते तो। और पकड़ो 500, क्या जाएगी गेंद बाहर, चली गई 500, क्या लेंगे 500 के ऊपर, आसमानी टोला आया। मातेश्वर मातेश्वर आपण जेव्हाही पाहिलं ना का एखाद्या अपोजिट खेळाडूवरती पैसे लागतात ना, तो फलंदाज नेहमी चमकत असतो आणि पवार साहेबांनी लावले 500 रुपये बोल साठी, आणि त्यांना माहिती आहे हा फलंदाज खूप तिखट आहे, याला बात करणं खूप गरजेचं। आणि इथे अपोजिट लगावलेला षटकार, टेन स्कोर 10 स्कोर हो चुका है। और ये भी छे डीप बैक पास करने के ऊपर तारा मंडल के अंदर आ गए, 6 रनों का बंडल ठोको दीजिए। थैंक यू। बघा दोन षटकार आले, 500 रुपये लगे जवळ आले, आता अजून एक मारला तो म्हणजे आमच्या जवळ आती आला ना। हाँ बिल्कुल, वहां से हम जीएसटी भी कट करेंगे ना बाद में। तो जाऊया आपण, रोहन मोरे आणि शुभमजी सोनवणे आमच्या सोबत या ठिकाणी आहेत, त्यांच्या माध्यमातून अत्यंत उत्तम रित्या पांडवांची ट्रॉफी आपण या ठिकाणी पाहिली। तर आपण पाहतो गुंडेगावचे ज्येष्ठ नागरिक कांगणे गुरुजी या ठिकाणी उपस्थित झालेत, त्यांचं आपण मनपूर्वक हार्दिक स्वागत या ठिकाणी करूया। फुल टॉस या जयंती मिड विकेट के ऊपर फील्डर मौजूद है, एक सिंगल दूसरे के लिए पलट गए थे, लेकिन तब तक थ्रो आया एक टप्पे के साथ, विकेट कीपर ने थ्रो को कैदर किया, एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 17 के घर में एक विकेट के नुकसान पे। दूसरे ओवर की 3 गेंदें शेष है संकेत की, 17-17 स्कोर कार्ड। इस बार जरूर गेंद थी, लेकिन गली फील्डर गेंद को उठाने के लिए आए थे, लेकिन एक सिंगल मिलेगा, एक सिंगल के साथ स्कोर 18। दूसरा ओवर चल रहा है, 4 गेंदे खत्म हो गए, 2 गेंदों का खेल शेष है, 18 रन बन चुके। सेमीफाइनल का मुकाबला है गुंड के प्रीमियर लीग 2023 का, जीतेगी वो टीम जाएगी फाइनल में, कौन सी टीम जाएगी, आरडी बॉयज या आईएक ब्लास्टर। शॉट अच्छा है, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां, गेंद को पकड़ लिया, तब तक के लिए एक ही सिंगल मिलेगा। इस बार 2 छक्के खाने के बाद ये 3 गेंदों के ऊपर 3 सिंगल आए, और एक सिंगल के साथ लगभग देखा जाए स्कोर 19 के घर में, 1 विकेट के नुकसान पे आखिरी गेंद संकेत की इस ओवर की। अक्षय ठाकरे व्यासपीठाकडे, अक्षय ठाकरे अंतिम बॉल, कदमों का प्रयोग, लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच की संभावना, लिया कैच और विकेट नंबर इस बार देखा जाए दूसरा ड्रेसिंग रूम में, मुझे लगता बल्लू वापस आ गए दो रन बना के। 19 रन 2 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर के बाद आई एक्विरा ब्लास्टर टीम का स्कोर, आखिरी 6 गेंदे और पारी का स्लॉग ओवर शेष। तो पाहतो आमच्या सोबत जोडले गेलेत राहुल पाटील, धन्यवाद डीजे मास्टर, आपण थांबायचे आता, आपण वाजायला संधी देऊ तुम्हाला। राहुल पाटील यांचं आर्यन एंटरप्राइजेस, घर बसल्या लोन मिळवा, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, प्रोजेक्ट लोन, बाईक लोन, व्हीलर, टू व्हीलर, फोर व्हीलर लोन असेल, 7-12 गावठांमध्ये घर असेल तरी लोन भेटेल। हा सगळ्या प्रकारचे लोन त्यांच्याकडे अवेलेबल आहेत, सध्या येणारा सीजन लग्न सीजन असेल, आणि राहुल सर जरा लग्नाला पण लोन द्याव, आमची पोरं क्रिकेट खेळून सध्या कामावरती नाहीयेत, जरूर बघा ज्यांना ज्यांना लोन पाहिजे त्यांनी जरूर भेट द्या। आर्यन एंटरप्राइजेस प्रोप्रायटर, आपण त्याला जामीन काय ठेवायला लागेल राहुल पाटील, अच्छा ना लग्नाला
आखिरी छह गेंद है प्रज्योत। तर या ठिकाणी थ्री स्टार सलून जे ओनर शिवसागर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांना विनंती करूया आपण व्यासपीठावरती यायचे आणि त्यांचं स्वागत केलं जातं इथे। वन बाऊ सीमरेषा पार, चेंडू झालाय फरार, पाहून रिझन मध्ये आलाय चार धावांसाठी चौकार। 23 रन बन चुके हैं इस बार, दो विकेट के नुकसान पे। या एक मेरा ब्लास्टर टीम का स्कोर है तो 23। तो आखिरी पांच गेंदे शेष है, इस बार बाउंड्री लगाई है बल्लेबाज समीर। चार और इस बार या देखा जाए तो 18 पे खेल रहे समीर जी। प्रज्योत की पांच गेंदे शेष है। स्कोर और एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को पुल किया, एक रन छुरा डिब्बे कर सीखो पे गेंद चली गई है दूसरे के लिए पड़े गए खराब से रक्षण और इसी बीच दो रन इकट्ठा किया। दो रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 25 के घर में। 25 जून 1932 को कर्नल सेकेंड आलू साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने पहला टेस्ट क्रिकेट खेला और 25 जून 1983 को हिंदुस्तान ने पहला विश्व कप जीता कपिल देव साहब के नेतृत्व में। तो इस बार फिटनेस बहुत अच्छा है, 35 साल के तो क्या जवानी है। और ये इनसाइड आउट शॉट डिबेक्सा करके बस चार रन, खड़े खड़े इस बार देखा ठोका है, क्या बात है क्रिकेट का ये शास्त्री जिस्म का शॉट। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है और क्रिकेट का खेल है जोर जबरदस्त का नहीं है, ये टाइमिंग का खेल है। और इस प्रकार यह समीर इस बाउंड्री के साथ मुझे लग रहा है 22 पे पहुंच चुके हैं, टीम का स्कोर 29। एक बार फिर से इस बार स्पेयर कट कर दिया है, गैप में गेंद को धकेला है पॉइंट और कवर के बीच से खेला हुआ ये क्लास इस बार देखा है कॉपी बुक स्टाइल शॉट बेहतरीन चौका। अजय पाल सर बिल्कुल, तो ये हाइलाइट से भी खतरनाक खेल चल रहा है इनका। तो जरूर अपना माहिती मला तो इतिहास समीर शिंदे चा बैकवर्ड पॉइंट कवर पॉइंट आणि स्क्वेअर रिजन मधून ते चौकार ठोकलेले सहा चेंडू आणि सहा चौकार। आखिरी दो गेंदे शेष 33 रन, इस चार गेंदों के ऊपर इस बार देखा जाए 14 रन आहे। ब्लड जी केली होती समीर शिंदे ने, समीर शिंदे यांचा पुढचा चेंडू आपण पाहतोय कट केला चेंडूला थर्ड मॅन झोन मध्ये, शत्रशक्ती त्या ठिकाणी पोहोचणार नाहीये, चेंडू जाऊन पोहोचला सीमारेषा पार, चेंडू झालाय फरार, रस मिळतील चार आलेला बेहतरीन चौकार। पाच चेंडू झाले, ओव्हर झाली, ओव्हर झाली, तर पहिलं षटक या ठिकाणी समाप्त झालं। पहिल्या षटकात धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 1 मिनिट दिसे मास्टर, 5 धावा स्कोर कार्ड वरती या दोन चेंडू वरती आल्या। नऊ धावा धावसंख्या वरती आहेत,
दरम्यान पाहतोय लाजो फटका, सूर्यकुमार यादव स्टाईल ने लगवलेला चेंडू फेकून दिलाय डीप पॉइंट झोन मध्ये, सीमारेषा पार, सहा धावांसाठी आलाय हा खणखणीत षटकार। 42 पाहिजे ना, म्हणजे 27 पाहिजे। थँक्यू या षटकाराने चौसंख्या 15 आकड्यावरती जाऊन पोहोचली। पहिला चेंडू होती षटकार आपण या ठिकाणी पाहिला गेला, अजूनही 27 धावांची गरज आहे। पहिला चेंडू होती षटकार आपण या ठिकाणी पाहतोय, तनेचा पुढचा चेंडू खेळून काढलाय डीप कव्हर रिझन मधून शत्रक्षा बाबू पाहतोय, चेंडू परत पोहोचणार त्या दरम्यान दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण केली जाते। दोन धावांवरती समाधान मानला लागेल। बघा आरडी बॉईज कधी चालत चालत पुढे पण जाल, आमचे आयोजक आहेत कडक कारवाई करतात बेधडक। षटकार पाहिला गेला, दुहेरी धाव पाहिली गेली, ही मॅच खूप महत्वाची आहे। आता परत आरडी बॉईजने काय केलं गरज नाहीये, इथे नॉकआउट फारी, इथे हरला तर तुम्हाला फक्त ट्रॉफी। दरम्यान पाहतो आपण पाहतोय स्टेप आउट करून चापलून केल्याचा प्रयत्न, सरळ रेषेत चेंडू निघून गेला। तवा टेलिकॉमचे विजयजी पाल सर यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं आपण मनपूर्वक करूया हार्दिक हार्दिक स्वागत। गतवर्षी सिरीज वाल्याला थ्री स्टार सलून कडून फ्री स्टाईल होती, या ठिकाणी बराच काल चेंडू हवेमध्ये, शत्ररक्षक नाना कांबळे त्या ठिकाणी पोहोचणार का, केला होता पाठ दाखवली चेंडूला, त्या दरम्यान दोन धावा पूर्ण केले गेलेत। संचित सूर्य आणि सूर्य कंपनी या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांचंही मनापासून हार्दिक स्वागत, त्यांनाही विनंती करू आपण या व्यासपीठावरती आपलं या ठिकाणी मनापूर्वक हार्दिक स्वागत। धावसंख्या स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचली होती 19 आकड्यावरती, अजूनही 23 धावांची गरज, गणेश स्ट्रॉंग आहे आरडी बॉईजचा। इथे चांगला चेंडू बॅक टू बॉलर चेंडू होता, डायरेक्ट हिट या ठिकाणी करतोय फलंदाज, या ठिकाणी बाद दुर्दारित धावचूक होऊन माघारी परतवतोय फलंदाज। ठिकाणी उपस्थित झालेत, हा त्यांची खूप गरज आहे मला, या आपण व्यासपीठावरती, हा डॉक्टर साहेब सध्या काही खावतच नाही, या तुम्ही व्यासपीठावरती। आणि त्याचबरोबर सूर्य कंपनी या आपणाशी विनंती करतो, या आपण व्यासपीठावरती। अजय पाल सर या ठिकाणी पाहुण्यांना सर्वांना वरती घेऊन, बऱ्याच काळ चेंडू हवेमध्ये, समीर चिंदे चेंडू खाली येतोय, कोणत्या प्रकारची गफलत नाहीये, फलंदाज या ठिकाणी बाद होतोय। वैभव डॉक्टर वैभवजी गायकवाड या ठिकाणी उपस्थित झाले, तर वैभव गायकवाड सर जर पारितोषिक लावायचे तर आपण डॉक्टरांनी काय लावायची, एक महिना ट्रीटमेंट फ्री, ते बोलतील नको। चांगले क्रिकेटर आहेत मलाही माहिती आहे, कारण डॉक्टर प्रीमियर लीग मध्ये असतात ते, आणि केसीपीएल संघ आपले कर्जत परिसरला संघ खेळायला होते वैभव सर, आणि तेव्हाच आपली ओळख झाली, आणि त्यानंतर भेट पण आमची झाली त्यांच्याकडे। दोन षटकांचा खेळ समाप्त झाला, धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचली ती 19, 19 वरती दोन विकेट प्राप्त झाले बघा डॉक्टर, जीएसटी लागली इथे, तब्बल 5 विकेट प्राप्त झालेत समीर शिंदेच्या षटकामध्ये, 2 झेलबाद 1 धावबाद होता। नवीन गोलंदाज कल्पेश 23 धावांची अजून गरज, 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक। इथे ओरपूर चेंडू आपण पाहतोय, बराच काळ चेंडू हवेमध्ये आहे, शत्ररक्षक चेंडू परत पोहोचणार, एक धाव या ठिकाणी घेतली जाणार, दुसरी धाव पूर्ण केली जाते। 5 चेंडू आणि 21 धावांची गरज आहे,
21 धावा धावफलक वरती लागले गेला 13 चेंडू मध्ये। या दरम्यान पाहिले गेला फ्लाइट होता, स्लो अटकला, परफेक्ट यॉर्कर फलंदाज होतो बाद, झटका क्रमांक 6। या दरम्यान वडोली गावचे प्रज्वल सोनावणे या ठिकाणी उपस्थित झालेत, त्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती यायचं, आपलं या ठिकाणी मनपूर्वक अधिक स्वागत। प्रज्वल सोनावणे या ठिकाणी उपस्थित झालेत, त्यांनाही आपण या ठिकाणी आमंत्रित करूया। नवीन फलंदाज राम इथे आपण पाहिलं, बराच काळ चेंडू आवेमध्ये आहे, एक धाव या ठिकाणी पूर्ण चेंडू पर कोण धावतच नाहीये। इथे वाईडिश थ्रो आपण या ठिकाणी पाहतो, दोन धावा घेतले जातील, दोन धावेने आमचे स्कोरर मित्र शुभम आम्हाला सांगतील। धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचली ती 23। आमचे बॉल बॉय रंजेश शिंदे आपण व्यासपीठाशी संपर्क साधायचे। इथे आपण पाहतो झेल ड्रॉप झाली, मधुकर चुकी करताना दिसले, मॅडी। आपण सर्व वरिष्ठांना विनंती करूया, या पण आमचे जुने सगळे खेळाडू या ठिकाणी उपस्थित आहेत। दरम्यान पाहतो आपण सिंगल घेतली ना, सामना जवळपास या ठिकाणी आपण पाहतोय समीरचे जे 5 चौकार अफलातून कामगिरी होती। इथे आपण पाहतो फायनल मध्ये प्रवेश करतोय, विकेट प्राप्त झालाय आणि फायनल मध्ये प्रवेश आई एकवीरा संघाने ब्लास्ट केलाय आणि ब्लास्ट करून संघाने फायनल मध्ये प्रवेश केला। माननीय प्रज्वल सोनावणे साहेब या पण व्यासपीठावरती आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत।